الرحمن الرحیم धन चकवाल यूट्यूब चैनल को पसंद करने का शुक्रिया। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि तमाम वीडियो। पंजाब के बलदियाती इदारे बहाल कर दिए गए हैं। ये रात को, ये गुज़श्ता रात को ये वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुद्दार की आला सतह के अजलास में इस बात का फैसला किया गया, क्योंकि अब 20 अक्टूबर तक की मोहलत सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को दी थी। बसूरत दीगर उन्हें हुक्म दिया गया था कि वो तोहीन अदालत की कार्रवाई के लिए तैयार रखें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी नोटिस जारी किया गया था। तो बहरहाल ये क्योंकि 20 अक्टूबर अब कल आने वाली है, तो बहरहाल ये पंजाब हुकूमत ने दानिशमंदाना फैसला करते हुए तोहीन अदालत की कार्रवाई से बचने के लिए बिलाखिर पंजाब के बलदियाती इदारे बहाल कर दिए हैं। और ये 20 अक्टूबर को अभी ये सुबह बुध के रोज़ ये 9-10 बजे ये तमाम बलदियाती चेयरमैन, जिसमें बल्दिया चकवाल के चेयरमैन चौधरी सजाद अहमद, चेयरमैन ज़िला कौंसल तारक ढुल्ली और बाकी तमाम जो उसके बलदियाती इदारों के, ये तकरीबन कोई 3-4 हज़ार के करीब ये मुंतखब बलदियाती नुमाइंदे ज़िला चकवाल में हैं, जो अब ये बुध को अपनी जिम्मेदारियाँ संभालेंगे और ये बलदियाती इदारे बहाल हो गए हैं। तो इस दौरान में आज मेजर ताहिर इकबाल तनवीर असलम थेथी थे भी इधर ख्वाजा सुकरात बाबर के वलीमे में जो गुफ्तगू है वो भी पंजाब के बलदियाती इदारे बहाल हो चुके हैं। क्या अभी बोलिए क्या होगा? जो इन्होंने हमारे 3 साल लगाए हैं बलदियाती इदारों के, सुप्रीम कोर्ट के चाहिए कि इन लोगों को वक्त वापस दें ताकि डे वन से जहाँ से निकाला वो अपना वक्त पूरा करें। फिलहाल गवर्नमेंट ये कह भी लिया जी हमारे पास तो पैसे नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, तो बेहतर है कि ये ऑप्शन बहुत अच्छी है, इस पर अमल करें। और पुराने चेयरमैन अब जो इन्होंने बहाल किया है, मैं दुआ करता हूँ कि इनके हवाले चाबियाँ करें दफ्तरों की, और जिनको फंड अगर देना है तो उनको फंड वगैरह दिया जाए ताकि ये अपना काम कर सकें। मगर अभी ये जो कह रहे हैं कि फरवरी में हम करा रहे हैं, तो ये क्या कराने हैं इन्होंने? फरवरी में अमल जाति करा रहे हैं। देखें जी, अभी तो पंजाब गवर्नमेंट, मेरी इतला है कि जैसे कि परवेज लाई साहब का पिछले बयान आया था कि नए रूल एंड रेगुलेशन अभी बनने हैं और वो प्लान कर रहे हैं, शायद जो पहले नाजमों वाला सिस्टम था उसी को वो चाहते हैं बहाल करें, क्योंकि वो बहुत इफेक्टिव सिस्टम है। अगर वाकई आप बलदियात में करना है तो वो सिस्टम बड़ा इफेक्टिव सिस्टम, मल्ला कौंसिल भी हो उसमें, जो भी है जो है। तो इसलिए वो अगर सिस्टम अभी आना है, उसके रूल बनने हैं, तो उसके बाद इलेक्शन होंगे। जितनी जल्दी मेरा ख्याल है गवर्नमेंट अभी सोच रही है कराने हैं ये नहीं कराने। अभी आप सभी साहब से मलक तनवीर असलम फैसी साहब, आपको अभी मैंने सुबह आप पे मैं ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ कि पंजाब के बलदियाती इदारे बहाल हो चुके हैं। तो ये आप क्या है इसको देख रहे हैं? ये सारे मुस्लिम लीगी हैं, 85% मुस्लिम लीगी हैं। काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, हाथ पर था। और हम दुआ करते हैं कि हुकूमत अभी तो आगे चलने के लिए मसाइल जो है चेयरमैन बल दिया, चेयरमैन बल दिया चौधरी सजाद अहमद को अपने बेटे के खिताब दिया जाता हूँ। चौधरी साहब ये अभी सुबह किसी जगह पे सफर नहीं है, मगर मेरी बात अखबार में हेडलाइन है और बलदियाती इदारे बाहर हो गए हैं। और हमने 2 दिन पहले सरदार इस्लाम हुकूमत से भी कलवाया, उन्हें भी था पता, मैंने कहा मुझे पता है। तो वो अलहमदिल्ला अभी क्या क्या सुबह बैठेंगे तब तक 10 बजे सारा मीडिया वगैरह आए सर इन भाई उनको सारा जैकेट निकाल दिया।